दोस्तों सीजीएल में 6 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं बोलूँगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या है। फॉर ए प्राइस टेकिंग फार्म एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो अब देखिए प्राइस टेकिंग फार्म क्या है। इन परफेक्ट मार्केट कंडीशन ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए फार्म इज ए प्राइस टेकर बिकॉज अदर फार्म्स कैन इंटर द मार्केट इजिली एंड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट दैट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एवरी अदर फार्म्स प्रोडक्ट। दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर एनी फार्म टू सेट इट ओन प्राइस। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन हुईज द प्लेयर्स और द डिसीजन मेकर्स वर ऑल्सो Individuals who are seen as trying to maximize their profits and their personal satisfaction or welfare levels is called microeconomics. तो देखिए microeconomics और macroeconomics में difference क्या है। Microeconomics is the study of economics at an individual, group or company level. Macroeconomics on the other hand is the study of a national economy as a whole. तो द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होगा ना। ठीक है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ईयर वाज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फाउंडेड। 1999। ठीक है। व्हिच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपागेट द रिलीजियन ऑफ देयर चॉइस। तो वो था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो देखिए इसे कहते हैं खेदा सत्याग्रह। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंसिस्ट दैट द फार्मर नॉट ओनली पे फुल टैक्सेस बट ऑल्सो पे द 23% इनक्रीज स्टेटेड टू टेक इफेक्ट दैट वेरी ईयर but the farmers demanded that exemption of land revenue due to the famine conditions. Gandhiji and Vallabhbhai Patel inquired into the matter and finally found that the actual sufferers was small farmers, so they must be getting exemption. ठीक है अगला क्वेश्चन। Which queen of Kakatiya dynasty ruled over Warangal part of modern Andhra Pradesh? तो वो था रुद्रमा देवी। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू यूबिक्विटस रिसोर्सेस। तो देखिए ऑप्शन में जो दिया गया हुआ है एक्चुअल रिसोर्सेस, पोटेंशियल रिसोर्सेस एंड यूबिक्विटस रिसोर्सेस, इसके बारे में जानते हैं। यूबिक्विटस रिसोर्सेस आर नथिंग बट रिसोर्सेस फाउंड एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड such as air, sunlight, water. तो ठीक है इसका आंसर होगा ubiquitous resources. Next है actual resources are those that have been surveyed, their quantity and quality determined and are being used in present time. For example, petroleum and natural gas is actively being obtained from the Mumbai high fields. तो देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज जो जो होता है उसका क्वांटिटी एंड क्वालिटी हमें पता होता है। ठीक है। और पोटेंशियल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज व्हिच एग्जिस्ट इन ए रीजन एंड व्हिच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर एंड क्वांटिटी इज नॉट नोन टू अस। फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल्स मे एग्जिस्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर सेडिमेंटरी रॉक्स आर फाउंड बट टिल इट इज एक्चुअली ड्रिल्ड आउट एंड पुट इन टू यूज इट रिमेन्स ए पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है अगला देखते हैं। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रिसोर्स। देखिए यू तो होगा पोटेंशियल रिसोर्सेस। ठीक है ना। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वो है फीमर जो कि पैर में है। तो ये देखिए फीमर लॉन्गेस्ट बोन और टीबिया फिब्यूला इसे कहते हैं। Opposite to microvillar end is the calyza representing the basal part of the ovule. तो देखिए microvillar end और calyza क्या है।
माइक्रोफाइल ए पोर इन द मेम्ब्रेन कवरिंग द ओवम ऑफ सम एनिमल्स थ्रू हुई ए स्पर्माटोजोन कैन एंटर। और चले जा वन ऑफ द टू एल्बुमिनस ट्विस्टेड कॉर्ड्स हुई फैसन एन एग योक टू द सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये है कलेजा, ठीक है, और ये है माइक्रोफाइल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, ऑपोजिट टू द माइक्रोफाइलर इन इज द कलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओवियम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यूनि मतलब कि एक, यूनिसेलुलर मतलब कि जिसमें एक ही सेल है। ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय हाउ मेनी सेल्स, तो वन। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बोथ अ ओम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें से इफ के साथ एंड नहीं यूज होता, तो ये इफ एंड इज नॉट अमंग द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। PET is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles. ठीक है, तो PEP जो कि यूज होता है प्लास्टिक बोतल बनाने में, ठीक है। Which of the following gases is heavier than oxygen? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन से हेवियर है। In India, the Air Prevention and Control of Pollution Act came into force in 1981. But was amended in 1987 to induce noise as an air pollution. Who invented vacuum pump? तो वो था Otto von Guericke, ठीक है। Shachistup was built by Ashok, the author of the novel The Grapes of Wrath is Ayn Rand. And the author of the novel The Fountainhead is John Steinbeck, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए इन्वेंशन एंड डिस्कवरी में से हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई सवाल तो मैंने देखा है, पूछा गया है, तो ये पार्ट आपको जरूर करना है। खैर जो भी हो, द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ व्हिच ऑफ द नेबरिंग कंट्री, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सिक्किम कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। अब देखिए कौन सा स्टेट के साथ कौन सा नेबरिंग कंट्री बॉर्डर शेयर करता है, उसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो लगभग दो तीन दिनों में मैं बना दूंगा।